अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहद है और मैं इस वक्त करंटली पीएमआई कराची चैप्टर का प्रेसिडेंट हूँ। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि इस मकाम तक पहुंचने के लिए मुझे कितना अरसा दरकार हुआ और मैं किस तरीके से यहाँ पे पहुँचा। बेसिकली मैं आप लोगों की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग में हासिल की। एंड उसके बाद मैं कंप्यूटर साइंसेस में मैंने अपनी ग्रेजुएशन किया कोई आज से 13 साल पहले। सो उसके बाद जब मैंने अपनी प्रोफेशनल फील्ड में कदम रखा सो मैं भी बकिया तमाम ग्रेजुएट्स या अपने जो पीयर्स थे उनकी तरह बहुत ज़्यादा टेक्निकल माइंड रखा करता था। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इशू होती थी कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मसाइल को हल करने में हमें हेल्प करती है। मुझे सन 2010 में मौका मिला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कराची चैप्टर के साथ वॉलंटियर करने का, जहाँ पे मैंने मैनेजमेंट एंड लीडरशिप को समझा और अब क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था मैंने उनके साथ वॉलंटियर किया। थ्रू आउट द टेन्योर गुज़िश्ता 7 साल के साथ मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ सीढ़ियाँ तय करते करते मैं बिलाखिर ऑर्गेनाइजेशन की टॉप यानी कि मैं आज उसका प्रेसिडेंट हूँ। ये मुझे इमेंस फीलिंग देता है कि नॉट ओनली इस वॉलंटियर रोल ने मुझे बहुत कुछ समझाया बल्कि बहुत कुछ सीखने में मदद की और आज मैं उसी नॉलेज की बेसिस पे लोगों की मदद करने के काबिल हो गया। आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने जो क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंसेस का एक ग्रेजुएट था तो लाइक ऑल अदर ग्रेजुएट्स मैंने भी अपना जो प्रोफेशनल जर्नी का आगाज़ है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी से किया 2005 में। और मेरी पहली जॉब जो थी वो बहुत इंटरेस्टिंग इस लिहाज से थी कि मैं बहुत सीनियर लोगों के साथ काम कर रहा था, मैं सबसे जूनियर था। सो नॉट ओनली सीनियोरिटी की बुनियाद पर लेकिन वो उनसे मुझे नॉट ओनली सीखने को बहुत कुछ मिला बल्कि एक शख्सियत के एतबार से डेवलपमेंट में मुझे बहुत हेल्प मिली क्योंकि वहाँ पर सब एक बड़ा एल्डरली माहौल था। उसके बाद मैंने सेकेंड अपनी जो जॉब है वो भी सॉफ्टवेयर कंपनी में की एंड 2010 के अंदर मेरा पहला टर्नओवर था जहाँ पे मैंने कॉर्पोरेट साइट को जो है एक्सपीरियंस किया। आई वाज हायर्ड एज मैनेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम इन आजमजी इंश्योरेंस कंपनी जो कि एक टोटली डिफरेंट दुनिया है एज कम्पेयर टू व्हेन इट यू कंपेयर इट विद आईटी कंपनीज और सॉफ्टवेयर कंपनीज। 2010 से मेरी कॉर्पोरेट करियर का आगाज़ हुआ और उसके बाद मैं जो मेरे जो सेकंड स्टैंड थी वो मैंने NIB बैंक के साथ किया और प्रेजेंटली मैं फैसल बैंक के साथ अटैच हूँ। इसके अलावा मेरा जो वॉलंटियर रोल है वो PMI कराची चैप्टर के प्रेसिडेंट का है। इन गुज़िश्ता 14 सालों में का निचोड़ ये है कि चाहे आप किसी फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ आर इसेंशियल अगर आपको तरक्की पानी है। तो कुछ लोगों को ये शुरू में मौके मैसर हो जाते हैं, कुछ लोग बाई एक्सपीरियंस सीखते हैं। सो कोशिश करें कि आप ये क्वालिटीज़ अपने अंदर जितना जल्दी पॉलिश कर सकें या इन्हेंस कर सकें उतने ही ये आपको हेल्प करेंगी आपके गोल्स अचीव करने। माय 10-year गोल इज़ टू रन अ कंपनी वेयर आई कैन हेल्प एंड इनेबल पीपल टू अचीव देयर गोल्स, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हों, चाहे वो कॉरपोरेशंस हों, चाहे वो एक स्टूडेंट्स हों जहाँ पे वो किसी आईडी को कन्वर्ट करना चाहते हों एक प्रोडक्ट के अंदर। मैं अपने आप को एक कंसल्टिंग कंपनी नहीं कहूँगा बट मैं ये कहूँगा कि आई वांट टू गो बियॉन्ड कंसल्टिंग वेयर आई कैन बी अ ट्रस्टेड एडवाइज़र एंड कैन हेल्प पीपल टू अचीव देयर गोल्स। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि 10 साल के अंदर मैं कम अज़ कम एक डेकेड के अंदर मैं कम अज़ कम 1 million पीपल की लाइफ को जो है ना वो इन्फ्लुएंस कर सकूं और उनको उनके मकासद अचीव करने में हेल्प कर सकूं। इन 5 years टाइम आई वांट टू सी माय चैप्टर मेंबरशिप ग्रोथ एक्सपोनेंशियली ग्रो एंड आई वांट टू सी एटलीस्ट 5,000 मेंबर्स ऑफ दिस चैप्टर। कराची एक बहुत बड़ी आबादी वाला शहर है, वी आर ट्राइंग टू टैप the professional and individuals who can benefit from our organization and who can and to form a community which can benefit every other person. Agar aap project management leadership mein interested hain to chahe aap student ho, chahe aap corporate ho, chahe aap entrepreneur ho, PMI ka platform aapko hamesha help karega aapke maqasid achieve karne ke liye.
चूँकि एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है और आई बिलीव हर इंसान के अंदर एक एंटरप्रेन्योर छपा होता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर बेटर और बेस्ट सूटेड फॉर एवरी अदर इंडिविजुअल हु वांट टू अचीव समथिंग इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. देखिए, एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस. सो इफ़ यू वांट टू अटैच टू दिस कम्युनिटी, सो पहले आपको ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का मेम्बर बनना पड़ेगा, उसके बाद आपको लोकल ऑर्गेनाइजेशन का मेम्बर बनना पड़ेगा, एंड द टोटल प्राइस इज़ $150. सो अगर आपने कुछ बनना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है अपने ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट करना. सो वन गो में शायद 15,000 रुपये या 16,000 रुपये बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप ये देखेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट के बाद आप 10 folds अपने आप को इन्हेंस कर सकते हैं, अपने कद को बढ़ा सकते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं, तो $150 कुछ भी नहीं होता. सो अगर आप PMI कराची चैप्टर के मेंबर बन जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको होती है वो उस लोकल कम्युनिटी का या फर्टर्निटी का पार्ट बनना है, बन सकेंगे आप जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है. नॉट ओनली यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम देयर नॉलेज, बट ऑल्सो यू विल गेट इन्हेंस्ड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू विल गेट मोर हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज जो कम्युनिटी है वो आपको वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ नॉलेज. ग्लोबल और लोकल एक्सपर्ट्स आपको अवेलेबल होते हैं एट द क्लिक ऑफ अ बटन, एंड आपकी फेस टू फेस मीटिंग्स अवेलेबल होती हैं जिसके ज़रिए आप नॉट ओनली इस वक्त ट्रेंडिंग नॉलेज क्या है या ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स क्या हैं उनकी मालूमात हासिल कर सकते हैं, बल्कि अपने मसाइल का हल भी इंस्टेंटली हासिल कर सकते हैं. थर्ड एंड मोस्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फाइनेंशियल गेन. इफ़ यू बिकम अ मेंबर ऑफ एंड इफ यू गेट सर्टिफाइड, वो चीज़ डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होती है आपकी फाइनेंशियल इनकम के अंदर, आपकी सैलरी के अंदर. PMI की जो PMP सर्टिफिकेशन है, दिस इज़ वन ऑफ द top 10 मोस्ट पेइंग सर्टिफिकेशन. यानी वो हजरात जिनके पास PMP सर्टिफिकेशन है, दे आर वन ऑफ द top 10 पीपल जिनको मोस्ट पेइंग जॉब्स के अंदर शामिल हैं. So not only it will enhance your knowledge and help you to become a better professional, but also it will give you better chances to increase your income as well. And finally, as a professional grow करने के लिए बहुत important है, you would look around and see कि कौन सा ऐसा culture है या कौन सी ऐसी improvement है जो आपको required है, ताकि आप वो अपने अंदर inculcate कर सकें और अपने इदारे के अंदर inculcate कर सकें. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट अ माइंडसेट, इट्स अ माइंडसेट. तो अगर आप उस तरह सोचने समझने और अपनी जिंदगी को गुजारने में तैयार हो जाएंगे तो ये आपको एवरी अदर वे बेनिफिट करेगा.